MBBS नाम से MBBS चाट वाला कटोरी चाट हमने यहाँ पर ली है, क्योंकि एक मेंटेलिटी जो बिहार के अंदर है कि ठेला पर का है मत खाना। बिहार के अंदर अपने पटना के अंदर चाय सुट्टा बार तो MBA चाय वाला अलग अलग, मतलब बैंगलोर से लेके अहमदाबाद से लेके ब्रांड लेके आ जा रहे हैं, लेकिन अपने बिहार का कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं दिखता जो बाहर जाके कहीं सर्व कर रहा हो। सोचे थे आपकी मेहरारू आएंगी वो बनाएंगी, तो फिर बाद में जब यहाँ के एक बेरोजगारी का लंबा लाइन देखे ना, तो ये एक फैमिली है मैम, मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग जो है ना। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सुबह से भैया लगी थी भूख है, आप जानते ही हैं कि 3-4 दिन से हम लोग बिहार में हैं और लगातार काम पे काम तो भूख लगी थी। और जानते हैं YouTube पे काम करते हैं तो भैया YouTube पे ही सर्च किया कि क्या खाएं, तो पता चला कि यहाँ पर एक चाट वाली दुकान या ये कहिए कि कार्डबोर्ड या ये कहिए कि एक प्रयास है MBBS नाम से MBBS चाट वाला यहाँ पर आए हैं और ये कटोरी चाट हमने यहाँ पर ली है, खा रहे थे, फिर सोचा कि एक बार आपको भी दिखा दें ताकि जो लोग खाने के शौकीन हों और मेरे जैसे चटोरे हों उनको यहाँ तक खींचने के लिए एक ही तरीका हो सकता है, वो हो सकता है ये चीज़ें लेके चलना बतियाने। अच्छा बनाते हैं कि बस ऐसे ही? नहीं नहीं अच्छा बनाते। क्या मंगा रहे हैं? अभी हम समोसा ले रहे हैं। समोसा? हाँ। रोज लेते हैं क्या? हाँ, डेली आके लेते हैं। ठीक बनाते हैं? हाँ, बढ़िया बनाते हैं, खूब स्वादिष्ट बनाते हैं। तो हम लोग ये कटोरी चाट लेके गलती तो नहीं किए समोसा? ऐसा नहीं। देखिए भैया यहाँ पे हमारे यूथ जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे ज्यादा यूथ ही आते हैं। हाँ जी सबसे ज्यादा शिकायत है मेरे को। क्या शिकायत है? टिक्की के साथ पानी पूरी ढूंढती है, वो नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो थोड़ा स्पेस की वजह से, लेकिन अरेंजमेंट किया जाएगा धीरे धीरे। टिक्की हो और पानी पूरी ना हो तो जैसे लगता है ना कि दही के साथ जलेबी नहीं है और ऐसा। तो बस उसी अधूरेपन को दूर करने की हम लोग का प्रयास है और जो चीजें हैं इसमें और एड ऑन करके दही पूरी और पानी पूरी हर चीजों को धीरे धीरे इनिशिएट किया जाएगा। अभी जैसे हमने शुरुआत करा है, प्रकाश का एक प्रयास अभी शुरू हुआ, इस प्रयास में धीरे धीरे सीढ़ियाँ जुड़ते जाएंगी और फिर हर चीज। इतना चीज तो आप रखे हैं, टिक्की चाट, पापड़ी चाट, समोसा चाट, एक तो फुल्की रख देते तो क्या होता? फुल्की की वजह से बहुत भीड़ लगने लगता है, तो वो जो होता है ना गैदर्ड, तो उस चीज के लिए थोड़ा अलग अरेंजमेंट करना होगा, तो उस चीज का थोड़ा अलग से यहाँ पे एक स्टॉल लगवाने का सोच रहे हैं, क्योंकि एक कार्ट से वो पॉसिबल नहीं है। हमने शुरू में किया था लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ा गैदरिंग और भीड़ ज़्यादा हो गया कि फिर कहा कि नहीं, उसके लिए एक अलग स्टॉल लगाया जाएगा और फिर स्टॉल लगा के किया जाएगा ज़रूर, क्योंकि वो चाट का मतलब कि चाट पानी पूरे के बिना बहुत अधूरा सा लगता है। जी बिल्कुल, मैंने भी फील किया, तो बस उसको ऐड किया जाएगा। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप, अब मुझे ये बताइए कि क्या ये आपकी डिग्री है MBBS की बस ऐसे ही? नहीं, MBBS जो डिग्री है वो एक अलग चीज़ है, हमारा MBBS जो है वो एक ब्रांड है, मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग चाट वाला। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि यार बिहार के अंदर अपने पटना के अंदर चाय सुट्टा बार तो MBA चाय वाला तो मिस्टर मोमोज ये वो अलग अलग, मतलब बैंगलोर से लेके अहमदाबाद से लेके ब्रांड लेके आ जा रहे हैं, लेकिन अपने बिहार का कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं दिखता जो बाहर जाके कहीं सर्व कर रहा हो। तो एक ऐसा ब्रांड मेरे को क्रिएट करना था जो कि स्ट्रीट फूड को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीका से, थोड़ा हाइजीनिक तरीका से लोगों को सर्व किया जाए, क्योंकि एक मेंटेलिटी जो बिहार के अंदर है कि ठेला पर का है मत खाना, क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड होगा, अनहाइजीनिक होगा, तो उसी को थोड़ा हाइजीनिक तरीके से अच्छे तरीके से पेश करने का और एक ब्रांड बनाना था। तो और डिग्री का जो एक ट्रेंड चला हुआ है तो बस उसी पे, क्योंकि देखो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा टूल्स डालना होता है, जो सबसे पहला टूल होता है वो आपका नाम होता है, आपके नाम देख के ही लोग आपके पास आएंगे, और फिर सेकेंड होता है जो आप खिला रहे हो सर्व कर रहे हो। तो पहला जो हमारा था वो MBBS चाट वाला, MBBS से लोगों के और हर इंसान आने के बाद यही पूछता है कि भैया आपने मेडिकल ड्रॉप आउट किया हुआ? तो भैया नहीं, वो एक डिग्री है और हमारा एक MBBS जो है ये एक ब्रांड है। ओहो, धोखा हो गया मेरे साथ, मैंने सोचा कि इतनी पढ़ाई किया है कोई शख्स, नौकरी नहीं मिली बेचारे को, चलो कुछ नया प्रयास कर रहा है, खा के आते हैं, बाद में पता चला कि आप धोखा देते हैं। नहीं, ये धोखा नहीं मैम, ये मौका है उन लोगों के लिए जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जिस हमारे सोसाइटी के जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, वैसे कुक जो कि वेल रेपुटेड होटल मैनेजमेंट से डिग्री लेके नहीं आते हैं, जो इस होटल से उस होटल, उस होटल से इस होटल, और ऐसे करते करते जिनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, और जो कि ना अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना है, क्या एक अच्छा हेल्थ केयर क्या होता है, एक अच्छा शिक्षा क्या होता है,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि ये वर्क जिस दिन अपने देश का ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, जो कि जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है, ये जिस दिन सुधर गया ना, देश अपने आप अपना आगे चला जाएगा। मैम मतलब ये चार्ट से भी देश सुधर सकता है? बिल्कुल सुधर सकता है, क्योंकि कैसे लगा था कि भ्रष्टाचार कम होगा तो देश सुधर जाएगा। मैं बताता हूँ मैम कैसे सुधरेगा। देखो देश, अगर आप जाते हो कहीं नेता का या कहीं कोई रैली होता है तो वहाँ एक भारी भीड़ देखने को मिल, तो आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनी में जो जॉब कर रहा है वो अपना जॉब छोड़ के वहाँ बैठा हुआ क्या? वहाँ जो बैठे होते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, जो कि मतलब कि दिहाड़ी वाला काम करते हैं या फिर इधर से उधर। तो मतलब अगर उस सेक्टर के लोगों को पता चल जाए कि भाई शिक्षा उनके लाइफ, उनके ज़िंदगी में आने वाले मतलब उनके बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारा देश एक सही रास्ते पर जाके कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। मैम बस उसी प्रयास में लगे हुए हैं। तो एक बार कार्डबोर्ड हम फिर से देख लेते हैं और फिर सिलसिलेवार तरीके से बाकी लोगों से बात करेंगे कि भैया का चार्ट सच में अच्छा है कि बस ऐसे ही यहाँ पे। आप लोग खाने आए हैं कि बस देखने आए हैं? हम लोग खा चुके हैं। हाँ, हम लोग खाए हैं, बताइए। वो टोकरी चाट खाए हम लोग। टोकरी चाट कैसा लगा? बहुत अच्छा। सही में? हाँ, पहली बार खाए। तो नहीं आया मजा? मुझे तो मजा आया बहुत, पहली बार खाए आज। पहली बार जी। तो और चाट से थोड़ा अलग था, भैया ने बताया ना कि ये जो चाट है जो आप खा रहे हैं उससे देश बदल रहा है, पता है आपको? बिल्कुल बदल रहा है। कैसे? लोग खा रहे हैं। हाँ। लोग खिला रहे हैं। हाँ। खिलाना है, वो खा रहा है, मतलब पैसा का इनकम जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, कैश फ्लो हो रहा है। हाँ। सबको फायदा हो रहा है। हाँ, देखिए आपको आपका जो रिव्यू है पॉजिटिव जा रहा है। आप जिंदे से पूछो मैम, क्योंकि हम हमारा प्रयास वही है कि खिलाएंगे तो या तो बेहतर खिलाएंगे, नहीं तो बंद करके घर में रहेंगे। तो जो देते हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और बस जो लोग खाते हैं सेटिस्फाइड होते हैं, कल हो गया अपने दोस्तों को भी लेके आते हैं, अपने फैमिली के लिए भी लेके जाते हैं, तो इसमें मज़ा आ रहा है। ये एक मंथ ही हुआ है मैम, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन लोग खाने के बाद बोलते हैं ना, तो उसको मतलब एक होता है ना कि एक आप पूछो तो वो रिव्यू दे, एक होता है कि खाने के बाद बर्दाश्त नहीं होगा रिव्यू देते हैं, तो वैसे बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं, तो अंदर से लगता है कि चलो स्ट्रीट फूड जो कि एक मतलब एक या तो आप हल्दीराम हरिराम इस लेवल पर जाओ, या तो फिर आप नीचे लेवल पर आओ तो ठेला वेला जो बगल लगता है रोड पर वहाँ पर आओ, तो वहाँ एक है कि रेट कम होता है, लेकिन आप अनहाइजीनिक की वजह से लोग प्रीफर नहीं करता है लोग ठेला पे खाना। तो हमारा यही उद्देश्य है कि नहीं, ठेला पे ही खिलाएंगे, सस्ते रेट में खिलाएंगे और ऐसा खिला देंगे कि आपको वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा दावा है। आप देखिए कि ये जो आप MBBS चार्ट वाला देख रहे हैं, ये आपका दावा है कि आगे आने वाले कल में ये उत्तर प्रदेश से लेके तमाम जगहों पर ऐसा दिखेगा ठेला? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये प्रयास, मैं कोशिश करूंगा कि ये बिहार से निकल के और देश के हर एक राज्यों में मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग चार्ट वाला अपनी सर्विस दे और लोगों को ये बताए कि नहीं भाई, बिहारी जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उनके पास और दिमाग है। हालांकि उनके दिमाग को ऐसे बचपन से ही रेगुलेट किया जाता है कि नहीं तुमको गवर्नमेंट जॉब ही लेना बेटा, मतलब वेल सेटल्ड मतलब गवर्नमेंट जॉब। तो बस इन चीज़ों से निकल के लोगों को ये भी बताना है कि भाई एक चाट का भी दुकान, एक चाट के भी दुकान को इतना अच्छे से और इतना आगे तक ले जाया सकता है, बशर्ते कि एक मतलब कि आप शिद्दत से करो तो सही। आप भी तो बनाइए, थोड़ा देखा जाए आप बना पाते हैं या नहीं। सब क्या खाएंगे आप, तो बनाएंगे हम कुछ है नहीं भैया, हो गया है शाम और जब तक हम पहुंचे हैं तब तक पता चला है कि टिक्की वाला चाट खत्म हो गया है, इस पे टिक्की चाट खत्म हो गया, पापड़ी चाट है, समोसा चाट है और बाकी समोसा भी है, कचौड़ी भी खत्म हो गया है, रसगुल्ला गुलाब जामुन ये सब है कि वो भी खत्म हो गया? नहीं नहीं, गुलाब जामुन है, चंद्रकल खत्म हमारा हो गया, टिक्की चाट मतलब वो ज्यादा बेहतर है। आप समझ लीजिए जो खाने वाली दुकान पे जो जल्दी खत्म हो जाए वो अच्छा। नहीं तो ये हमारा जो क्वांटिटी एक होता है ना, क्योंकि देखो हमारे पास वैसा नहीं है कि दूध मार्केट से लाए, चीनी लाए, चाय पत्ती लाए, मिला दिए और चाय दे दिए, नहीं वैसा नहीं। हमारा जो भी प्रिपरेशन होता है पहले से करके लाना होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में लाते हैं, क्योंकि अगर जितना हम यहाँ लेके आते हैं अगर हमारा वो नहीं मतलब कि शॉर्टेज नहीं हुआ तो उसको कल होके या तो वेस्ट होता है या उसको फेंकना होता है, तो फूड वेस्टेज ना हो इस वजह से हम लोग एक टारगेटेड ही लेके आते हैं कि भाई इतना लेके जाए जो बिक जाए, और कभी वो मतलब जल्दी ही बिक जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 7:30 बजे सारा खत्म हो जाता है। तो बस आज भी वैसे ही टिक्की खत्म हो गया, अब समोसा है तो समोसा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होता है तो समोसा है और थोड़ी देर की बात है समोसा भी खत्म हो गया। बात है कि आजकल बिहार में बड़ा फूड कार्ट बड़ा चल रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई समोसा बना रहा है, कोई पकौड़ी बना रहा है, क्या कारण है? मैम कारण ये है कि देखो बिहार के अंदर एक जो मेंटेलिटी लोगों ने पाल रखी है
और कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो एक जो ट्रेंड चला जैसे प्रियंका ये ग्रेजुएट चाय वाली जो है तो उन्होंने इनिशिएट किया, वो एक लड़की हो कि जब उन्होंने इनिशिएट किया तो पीछे से आत्मनिर्भर चाय वाली, तो नर्सिंग चाय वाली, तो ये वो बहुत इनिशिएट का वहीं से देखा हुआ तो नहीं है। मैं मेरा ये 4 साल पहले का संघर्ष है, 2018 से ही मैंने शुरू कर दिया था। कब ये कार्डबोर्ड लगा? एक महीना पहले लगा। मैं आपको बता दूं मेरे संघर्ष की जो कहानी है सबसे, क्योंकि मैं जब कंधे पे बैग लेके, हाँ वो मैं बता दूं आपको, 2018 में मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहले चिकन कॉलिंग किया, उसके बाद पकौड़ा वाला, उसके बाद नाश्ता वाला, फिर बालूशाही वाला। मतलब एक जो चल रहा था ना कि यार करना तो है तो बिजनेस ही करना है, क्योंकि मेरा था कि कहाँ लगाते थे ये चाट ये कांटी फैक्ट्री रोड में था। और पहले से बना रहे हैं? पहले से बना रहे हैं, क्योंकि 2016 में जब हम पटना आए थे यही सपना लेके कि कोई सरकारी नौकरी निकालना है, बाबूजी का एकदम सीना चौड़ा हो जाएगा, दौबी समाज में एकदम खूब इज्जत। तो फिर बाद में जब यहाँ के एक बेरोजगारी का लंबा लाइन देखे ना, तो फिर लगा कि इस लाइन में लगने से बेहतर है कि अपना कुछ ऐसा क्रिएट करें जहाँ 1000 लोग रोजगार ले पाएं। तो अब तो नाक कट गया होगा? नहीं, बहुत प्राउड, सीना चौड़ा करना था, गवर्नमेंट जॉब दिलाई। तो फिर नहीं, तो फिर उनके मेंटेलिटी को हमको आपको चेंज करना होता है ना कि यार हम जो चीज समझाए पिताजी को, कहां वो लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ी पे देखना चाहते थे, कहां धूप में गैस पे खाना पका रहे, सोचे थे आपकी मेहरारू आएंगी वो बनाएंगी, आप खुद ही चूल्हे पे। नहीं तो हम बाबूजी को बोले, बाबूजी को बोले कि पापा देखिए अगर वहाँ एक कुर्सी पकड़ के जीवन जो बीत जाएगा ना, तो वहाँ हम 60 की उम्र में जाके यही सोचेंगे कि बाप हमारा करने दिए होते ना तो हम जरूर अपने सपनों को जी रहे होते। लेकिन आज आप जबरदस्ती कीजिएगा तो आपके खिलाफ जाके हम जरूर नहीं करेंगे, लेकिन आज अगर हमने सपनों को जीने दीजिएगा तो कल हो के हम अपने सपनों की उड़ान में जो उड़ते रहेंगे ना, और अगर 2 रुपया कम भी रहेगा ना तो लगते रहेगा कि नहीं पापा ने हमें उड़ने दिया था और मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। तो मेरे पापा भी बोलते हैं कि यार, मेरे पापा हमेशा बचपन से बोलते हैं कि घास भी काटो तो सलीके से। इसका मतलब है कि यार जो चीज़ में रहो ना बेस्ट रहो, तुमको जबरदस्ती, अगर एक चीज़ आप मेरे को बताओ कि अगर जबरदस्ती ही कोई पेरेंट्स के चाहने से ही बच्चा अगर बन जाए तो हर बच्चा IPS और IAS ही रहेगा, तो बच्चा आपके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। हाँ थोड़ा आप प्रेशर दे सकते हो कि बेटा हमारा मन था कि तुम ये कर लेते, लेकिन बेटा आपके मन के अकॉर्डिंग करेगा या आप 100% श्योर नहीं हो। तो बेटा को आज़ाद छोड़ दो कि बेटा जहाँ उड़ना है जैसे उड़ना है उड़ो, लेकिन आसमान और वो ऊंचाई बहुत लंबी होने। खिलाए हैं कभी कि नहीं? पापा आए थे एक दिन, आए थे तो खाए, बहुत प्रसन्न हुए। हाँ। खा के एकदम सही बात है। क्या बोले पापा? बोले कि थोड़ा नमक ज्यादा है, थोड़ा और बढ़िया बना। नहीं पापा जिस दिन आए थे हमारे उस दिन भी चाट खत्म हो गया था। अच्छा। वो तो एक प्लेट चाट जैसे जैसे करके उनको मतलब खिलाया गया, मैनेज करके उनको खिलाया गया, और बहुत सेटिस्फाइड थे, खुश थे और अच्छा लग रहा था यार। वही चीज, वही सेटिस्फेक्शन जो था ना, वही चीज चाहिए ना, और क्या चाहिए लाइफ में। हम हैं दरभंगा के। जी जी। प्रकाश जी के पिताजी को प्रकाश जी ने समझाया तो उनको समझ में आ गया कि बच्चे को अपने पंख से उड़ने दीजिए। उड़ने दीजिए ना, क्योंकि आप जबरदस्ती एक अपने बच्चों को डॉक्टर बना दोगे तो कितना अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, एक जबरदस्ती इंजीनियर बना दोगे कितना अच्छा इंजीनियर बन पाएगा। तो देश को स्किल अपने मन का कर रहे हैं तो ये दावा है कि MBBS चार्ट वाला एक दिन बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम बनेगा। और तब दिन में क्या कुछ तो तय किया? 25 तक है कि एक है कुछ प्लानिंग। देखो मैम एक कार्ट है यहाँ पे, मैं यहाँ 5 घंटे मतलब 4 से लेकर 9 बजे तक हमारा कार्ट खुला रहता है। तो यहाँ वैसे बच्चों को मैं रोजगार देना चाहता हूँ जो कि घर से असक्षम है, जिनके माता पिता उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो 5 घंटे का ये यहाँ पे रहेगा ड्यूटी और 19 घंटा आपके आपके जिंदगी अपने सपनों को जीने के लिए। तो आप 19 घंटा अपने सपनों को जियो, 5 घंटा आप आगे दो, आपके रहने का, खाने का, पढ़ने का, हर चीज़ का फैसिलिटी, हर चीज़ का खर्चा मैं उठाऊँगा। और एक अलग सेक्शन है जो कि मतलब हमारा किचन है जहाँ ये हर चीज़ तैयार होता है। तो वहाँ एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जैसे ये हमारे मृत्युंजय जी हैं, तो ये पहले भैया ये सच में ब्रांड है, इधर दिखाइए इनका टी शर्ट, इधर मुड़ जाइए भैया 2 मिनट के लिए। टी शर्ट वीशर्ट पे अब से शुरू हो गया, ये ब्रांड की पहचान होती है कि आपका पैकेजिंग टी शर्ट। बस धीरे धीरे ब्रांड, मतलब आप बड़े बड़े ब्रांड में जाओगे तो वही ना, झोला दे देगा 20-50 रुपया उसका ले लेगा तो 100 रुपया, मतलब बड़े बड़े जगह खाना वही होता है मैम, चीजें वही होती है, मैदा चना वना हर चीज वही है, बस उनका AC है और ब्रांडेड नाम है, ब्रांडेड झोला है, ब्रांडेड डब्बा है, बस अंतर यही है। हमारे पास नेचुरल एयर है, उनके पास आर्टिफिशियल, हाँ AC है, तो अंतर यही है। और इन था कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं इनको ऑर्गेनाइज, यार अगर हमने अपनी ज़िंदगी में ना 1000 लोगों को भी कर दिया ना तो मैं समझूंगा कि यार मैंने कर लिया जो मुझे करना था। और मेरे जैसे ना अगर एक आध लाख लोग ऐसे सोचने लगे ना तो फिर देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। देखिए प्रकाश जी से बात करके ये तो समझ आया
कि दबाव में अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बेहतर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने मन का कुछ करते हैं तो ऐसे ही मुस्कुराते दांत दिखाते नजर आएंगे जैसे प्रकाश जी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अपने मन का जी रहे हैं। बस बस बस, खुश है मन का जी। को धन्यवाद कि उन्होंने प्रकाश जी को अपने रोशनी से टिमटिमाने दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि ये हमारे पिताजी भी सरकारी मतलब टीचर थे। अच्छा। हाँ, तो उनका मतलब समझ रहे हो ना, उनकी मेंटेलिटी को चेंज करना। तो मैं सबसे कहता हूँ यार, बदलो जब तक आप अपने मन के अपना, क्योंकि आप आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो 30 की उम्र में भी बच्चों को पता ही नहीं होता कि साला करना क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि करना क्या। हमको 21 की उम्र में पता चल गया था, पता चल गया था कि चाट ही बेचना है। चाट नहीं बेचना है, चार्ट तो एक जरिया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और वैसे कुक्स और वैसे लोगों के लिए काम करना है जिनके लाइफ का एक प्रॉपर कुछ है ही नहीं। मतलब उनके बच्चे आएंगे तो फिर उनको नहीं ना पता है, क्योंकि उनको किसी, उनको कभी किसी ने बताया ही नहीं यार कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाना है। हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे तो उनके ओवरऑल हर चीज़ पे हमारा नज़र रहेगा कि भाई आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको अगर हेल्थ केयर चाहिए तो कहाँ चाहिए, क्या करना है। तो एक फैमिली के, ये एक फैमिली है मैम। मिस्टर बिहारी बेस्ट सर्विंग जो है ना, MBBS Foods इज जस्ट लाइक अ फैमिली। इस फैमिली के अंदर या तो आप एज ए कस्टमर जुड़ सकते हो, एज ए इन्वेस्टर जुड़ सकते हो, एज ए कोवर्कर जुड़ सकते हो। तो जैसे जुड़ना है इस फैमिली में, जितने लोग जुड़ना है, कोई तरीका होगा ना, मतलब व्हाट्सएप के जरिए जुड़ना है, फोन के जरिए। अब जैसे एज ए कस्टमर, जैसे आप खा रहे हो हमारे यहाँ आके, आप खा रहे होते एज ए कस्टमर, आज आप हमसे कनेक्ट भी जुड़ सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि भैया अभी एक माइक अपना ठेले के ऊपर रखे बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अपना पहले मैंने स्टार्ट जी नहीं चैनल हमारा प्रकाश एक प्रयास है मैम। जब कोरोना आया था, लॉकडाउन आया था, तो ये जो एक फिजिकल मार्केट बंद हो चुका था, तो एक लगा था कि यार, क्योंकि बैठे बैठे मैं जिंदगी में कभी यार बैठना ही नहीं चाहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूँ, क्योंकि हर कुछ जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया था। ब्लॉगिंग क्या, यही चीज़ लोगों की समस्याओं को दिखाना, तो कभी कुछ समस्या जो दिखा वो चीज़ दिखाना, तो मैंने वहाँ से शुरुआत किया। तो वहाँ से लेकिन जो समस्या फिर मेरे को बनना यही था, यही पहुँचना था, इसीलिए शायद जो किए वो नहीं कर पाए। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, इसीलिए MBBS चार्ट वाला ने एक चार्ट का कार्ड लगाया है। और इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी जो मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ। इनके पिताजी को एक मैसेज है कि आपने बहुत अच्छा एक कोशिश की कि एक बच्चे को, प्रकाश को, अपने ही प्रकाश से टिमटिमाने दिया। हो सकता है कि पिताजी सपोर्ट देते, और हो सकता है कि ये एक ट्यूबलाइट बन जाते, लेकिन वो ट्यूबलाइट किसी और की रोशनी होती है। अभी ये अपने आप से, अपने मेहनत से टिमटिमा रहे हैं, आगे कल कुछ और बेहतर भी कर सकते हैं। बातचीत कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मिल गए, हाँ चार्ट अच्छा था, और बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लगातार जब से हम मिले हैं तब से भैया मुस्कुरा ही रहे हैं। यही चीज तो है जो जिंदगी में है, हमेशा आदमी को हंसते रहना चाहिए कि मुस्कुराहट के साथ वीडियो खत्म करेंगे। बस बाय बाय धन्यवाद।